लाइट के चक्कर में पूरा खीर गिर गया था। फुलाने के लिए रखेगा 50 ग्राम। चावल फूलेगा उसके बाद बनेगा। ठीक है, फूल जाए तो बताइएगा। पापा बना रहे हैं आज खीर, पहली बार किचन में, नहीं पहली बार नहीं, पहले भी आए हैं पापा किचन में। पनीर चिली बनाते थे जब हम 6th क्लास में थे, अब बना रहे हैं जब हम ग्रेजुएट हो गए और नौकरी कर रहे हैं। बनाने वाले हैं खीर, मतलब लास्ट टाइम जो किचन में गए थे पनीर चिली बनाते थे, मम्मी सब कुछ करके रखती थी, ठीक है, और पापा बनाते थे पनीर चिली सब कुछ हिला उला के। तो एक बार हुआ ये था कि वो बहुत ज्यादा कॉर्न पाउडर डाल दिया था और मोटा मोटा एकदम बन गया था। हम लोग पापा को बहुत चिढ़ाए थे, बहुत ज्यादा चिढ़ाए थे, और उसके बाद से पापा आज तक किचन में नहीं घुसे। मतलब चाय बनाते हैं, सुबह की चाय पापा ही बनाते हैं, और आज पता नहीं ये मतलब कैसे हुआ, नजर नहीं लगे भाई इस चीज को। पापा बोल रहे हैं बासमती चावल है, मम्मी बोल रही है हाँ, हम बोल रहे क्यों, बोलते खीर बनाएंगे। कैसे भाई, भगवान जी नजर मत लगे। आज का ब्लॉग पापा का खीर बनाने पे बनेगा, तो पीस करते हुए। अरे पहले ही बताइए बचपन वाला ज्वेलरी कैसा लग रहा है? भैया का शादी है, अरे भैया का शादी है तो ठीक तो लग ही रहा। हाँ अच्छा, नहीं ये वाला पहने हम, नहीं वो नहीं, ये वाला पहने या फिर चाचा का शादी वाला पहने। ये हम 6th क्लास में थे, सुनील चाचा शादी में कौन से क्लास में थे? तू आप ही से पूछ रही है। हमसे पूछा नहीं, ये वाला हम कौन से क्लास में थे सुनील चाचा शादी में? 5 में थे ना। 5 का ज्वेलरी भी तुम बचा के रखी हुई हो अभी तक, बाप रे बाप, हटेगा हमको। एकदम नया दिख रहा है, डब्बा गंदा दिख रहा है सही में यार, एकदम ये पुराने जमाने वाला बॉक्स अभी तक। कौन हीरोइन नहीं है ये, मम्मी अच्छा का खजाना निकल रहा, बाप रे बाप। ये तो मौसी को दी थी ना, इससे बढ़िया वाला मौसी को दी है, बहुत बढ़िया था वो भी। वाह तो बहुत प्यारा ही था, तो क्या कर आज इस शादी में सब निकल जाएगा। अरे हम भी हैं फैमिली डिस्कशन में। क्या हुआ, मिरर में तुम हो? अरे तो तुम ही हो टफी, तुम हो। घड़ी है बेटा, घड़ी फूट जाएगा गरीब आदमी का। पापा बना रहे खीर, अरे पापा खीर बना रहे हैं। अरे हमको उधर जाके कंटेंट लेना चाहिए यार। खीर में प्याज डालिएगा, लाइट तो जलाइए। जादू देखिए, जादू जादू होगा अभी, हो गया जादू। ये है स्पेशल जमाने का चिमनी, हाथ से करिए बंद और ऑफ। ये दूध निकल रहा है एकदम मलाई दाल दूध। और बिट्टू काटेगा प्याज, आज मेंस इन किचन। देखो हाथ से छुपाते हुए। खाना बन जाएगा तो बुला लीजिएगा, हम लोग थोड़ा आराम करने जा रहे हैं। चल तो भी आज हम लोग आराम दिन है, चलो ना। नाटक कर रहे हो, बना रहे हैं, तुम्हारा क्या रिएक्शन इस पे है? बना पाएंगे पापा अच्छा खीर? खाओगे तुम? टफी बताएगा खीर कैसा बना। अगर टफी खा लिया मतलब अच्छा खीर बना ना टोफी, बोल ना टोफी। ये डाले कि नहीं? डाली है, वो लास्ट में डालेगा। लास्ट में ये क्या जा रहा है? गुलकंद। हाँ? ये जा रहा है इलायची का पाउडर। अब मम्मी जो तुम बनाई थी स्पेशल गुलकंद वो रेडी नहीं है अभी? वो भी डालाएगा लेकिन वो लास्ट में डालाएगा। ये देखिए आज के शेफ। ये डाल देना, ये अभी नहीं डालेगा, किशमिश डाल देगा फट जाएगा दूध। अभी नाजुक शेफ है, अभी पता नहीं है। देखिए इसका खुशबू, ये देखो गुलकंद का खुशबू। ऐसा शक्ल दिखाओ गुलकंद का। अरे यार जूम इन, हाँ अरे एकदम रोज पेटल दिख रहा है, फ्रेश फ्रेश। कितना दिन में रेडी हो जाएगा ये? 15 से 20 दिन में रेडी हो जाएगा। ये पापा जादू कर रहे हैं। कितना टाइम लगेगा? भूख लगा हुआ हमको टॉफी को। 1 घंटा, तब 1 घंटे के बाद मिलते हैं। अरे इंतजार कर रहे हो क्या खाने का? बोलो ना। अरे कब आएगा खाना? हमको खाना खाना है। पापा के हाथ का खीर जल्दी खिलाइए ना। कुछ बोलते क्यों नहीं हो यार? तुम बोलने लगोगे टोपी तो कितना मजा आएगा। हाँ तुम हमसे बात कर पाता। दाढ़ी बहुत बढ़ गया तुम्हारे यहाँ पे। शेविंग वेविंग करवाओ। मेरे दाढ़ी के बारे में कुछ मत बोलो किटिया। बुकू 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 बुकू। जब हो गया पापा बनाएंगे खीर और खाने मिले। हम तो मतलब इंतजार कर रहे। बाहर से आए एकदम थक वक के। आज का दिन बहुत लंबा रहा। आज हम लोग कहते गोल्डन फ्लेवर मीटअप हुआ पटना। ब्लॉगर से भी मिल लिए फाइनली हम, और बीइंग बिहारी से भी मिलने का मौका मिला। मतलब ये लोगों को पेजेस देखते थे और अब हम उनसे मिल रहे हैं, उनके साथ कंटेंट बना रहे। बहुत मतलब अलग एक्सपीरियंस है यार ये। मतलब सोचे नहीं थे इतना जल्दी मतलब हो पाएगा पॉसिबल। और वो लोग भी मेरे कंटेंट्स को पसंद कर रहे तो अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड। और पापा खीर बना के तक ना आज के दिन सेट कर दिए। अरे बना खीर की तो इतनी सुनी चीनी ना है कहाँ। अरे लगता मीठा मीठा नहीं पड़ने वाला आज। बिलबल का खिचड़ी बना रहे क्या? इतना टाइम लग रहा है? हाँ? इतना धीरे-धीरे 1 घंटा हो गया तो बनाते बनाते। अच्छा ऊपर से स्टार्ट हो गया। जब बिगनर है मम्मी से पूछ के बनाना। नीचे वाला चीनी है। मम्मी से पूछ के काउंटिंग करके बना रहे हैं। शेफ बना रहे हैं, मम्मी उधर से सामान निकाल के दे रही। सीख जाएंगे लगता है पापा आज खीर बनाना। अरे हमको खीर खाना, हमको खीर खाने के लिए दो 5 टिप्पे। अच्छा अभी तो चीनी नहीं था, इतना चीनी आ गया। मम्मी को पता रहता चीनी कहाँ है, पापा कुछ पता ही नहीं, ला के रख देते हैं बस। बहुत कुछ सामान है जो हमको पता नहीं चलता है। धीरे धीरे पापा कुकिंग करेंगे तो पता चल जाएगा। पनीर चिल्ली कब बनेगा अभी बताइए? धक्का वाला पनीर चिल्ली। अरे दोबारा शुरुआत होना चाहिए ये वाला किचन में। इतना बढ़िया किचन बना, देखिए ना हम चिमनी उमनी लगा के। इसमें भी पनीर चिल्ली बनना चाहिए ना। मम्मी हमेशा की तरह आपको सब कुछ काट के रख के दे देगी, बस आपको हिलाना है। क्वांटिटी याद है क्या? क्या मटेरियल जो था वो याद है? सब भूल गया। पनीर चिल्ली हमें लोग बना के तुम लोग सिखलाए तो तुम लोग आज बना रही हो। तो पहले कुछ नहीं रहता था, वो हमने होटल से रेसिपी निकाल के इसको समझा बताए थे बनाओ। जो नया होटल खुला था ना उसका। अच्छा हाँ पापा बेचते थे सामान तो होटल वाला से सबसे पूछ के रेसिपी सब लाते थे बनाते थे। सही बोले। लाइट अच्छा बता दे रहे। उधर कुछ कर रहा है वो अभी। टफी तुमको खीर चाहिए ना तो हल्ला करो। खीर नहीं चाहिए? और बीरबल का खिचड़ी बन रहा है, बहुत टाइम लगा रहे पापा। घुगनी फ्राई बन रही है, इसको हम लोग खीर के साथ एंजॉय करेंगे। ब्लॉगर मम्मी। अरे मोती तो बड़ा प्यारा लग रहा है। कितना डालना है? इतना 1 चम्मच हो गया ना? डाले ना गुलकंद घर वाला एकदम एकदम बढ़िया गुलकंद। नहीं बस बस बहुत मेहनत से बनाया। कंजूस है कि बेचती कहानी हो मार्केट में एकदम बिकेगा। खोलो इसको। अरे वाह गुलाब का पत्ता दिख रहा है एकदम। अभी और कितना देर रुकना पड़ेगा? इधर लाइन में खड़ा है सब कोई खाने के लिए। तुम्हारे रखे थे आम। तुम खाना नहीं खाओ, तुम्हारा खाना ही है, खाओ। टॉफी को डांट पड़ रहा है बिस्किट चुड़ा के खाने के लिए। बिट्टू अपना बिस्किट रखा, वो चुड़ा के जम करके खा लिया। अभी देखो वहां जाके अभी और सूंघेगा इसको। अपना खाना नहीं खाना होता, हम लोग का खाना खाना होता है। ये देखो खड़ा है कि हमको ऊपर से बिस्किट मिल जाए खाली। इतना बदमाश है बाई गॉड। अरे ठंडा होगा ये आपका है कि मेरा है? हम लाए बनाया अपने। हाँ बना के अपने खा रहे, दूसरे को सर्व नहीं करना होता है। मम्मी बनाती है तो हम लोग देती है पहले। क्या जमाना है। देखा जाए कमी होती है इसमें। अच्छा कमी देखना है अभी। अच्छा शेफ टेस्ट करेगा पहले, उसके बाद देखेगा, उसके बाद प्लेट में लगाएगा। तब ठीक है, तब ठीक है। पहले बताइए कहीं कुछ चीनी की जगह नमक उमक चल गया होगा तो दिक्कत हो जाएगा। खाइए, ठंडा हो रहा है, ठंडा होने के बाद ठीक है। ए मम्मी पापा खीर बनाना मिलेगा आज? हाँ मिलेगा तो दीजिए ना। फाइनली खीर बन के तैयार है, करेंगे टेस्ट। पहले हम खीर खा लेते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। लाओ चम्मच। हाँ चम्मच तो रह गया। अरे वाह मस्त खीर बना है। सर्व तो किए नहीं, खुद ही से सर्व करना पड़ रहा है मम्मी को। खाना के बाद खीर खाना था, हम पहले ही खा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं खाने, पहले खीर खाएंगे। खाना खाएंगे खीर के बाद, पहले खीर खाएंगे। पापा का हाथ का खीर बन के एकदम रेडी है। तो मम्मी के हाथ का टेस्ट आ रहा है। आप बनाएगी मम्मी, एकदम मम्मी जैसा खीर बना है। आप सब जा सकते हैं कुकिंग लाइन में। इसके बाद पनीर चिल्ली चाहिए। खीर बहुत बढ़िया बना है। और उसके बाद आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट कुकिंग में पापा के साथ। मैं भी पनीर चिल्ली का मौका मिल जाए तो। वीडियोस देखने के लिए फॉलो कर ले कृति भारती को और इनसाइडर पटना को। भाई पटना के अपडेट्स मिलते रहेंगे इंस्टाग्राम पे। पटना में क्या हो रहा है, इवेंट्स चल रहे हैं, नेक्स्ट क्या ब्लॉगिंग हो रहा है, कहाँ हम लोग जा सकते हैं अच्छा खाना खाने के लिए, मतलब फूड और एक्स्ट्रा जो भी आपको नॉलेज चाहिए होगी ना, जितना मेरे पास होगा मैं भर के दूंगी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे। तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और जल्दी से यार 1K फैमिली करवा दो यार। 1 के लिए ना तरस रहे, 1000 फॉलोअर्स करवा दो जल्दी से। टिल टेक केयर, बाय बाय। खीर की तरह मीठे हो तुम लोग। गुड नाइट।